So welcome to Real Life Planet Fitness Hindi. My name is Rakshita Sarkar. Hello sir. Okay, so viewers हमारे साथ है दानिश भाई जो कि एक बहुत ही अच्छे एथलीट है, टाइकोंडो विनर है प्लस एज एन गुड एक्टर एज वेल. तो दानिश भाई आप हमें कुछ बताइए इस बॉडी पावर एक्सपो के बारे में बताइए. हेलो एवरीवन, ये मेरा पहली बार है मैं किसी ऐसे शो पे आया हूँ एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट. सो यहाँ आके मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. मतलब हमारा इंडिया कितना ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग. तो ये जो चीज़ें हैं ये एक मतलब जितना हेल्दी इंसान रहेगा उतनी उसकी हेल्दी सोच रहेगी. एक फेमस सेइंग है साउंड बॉडी हैज़ गॉट अ साउंड माइंड. सो जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो और लोगों को अवेयर करते हैं बिकॉज ये इवेंट सब है फिटनेस के लिए, चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो जिम हो, डाइट हो, प्रोटीन हो. सो काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है, एक्सपोजर मिलता है जो हम लैक करते हैं थोड़ा सा अपनी कंट्री में कभी कभी फिटनेस को लेके. तो ऐसी जगह पे आने के बाद ये सब चीज़ें ना बहुत इंसान को सीखने मिलती है. बट ओवरऑल जितना भी जो हो रहा है 3 दिन का जो भी बॉडी पावर एक्सपो होता है बहुत अमेजिंग है बिकॉज ये यहाँ के बॉडी बिल्डर्स जितने भी चैम्पियंस होते हैं, जितने भी एथलीट्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी होता है और उनको इंटरेक्ट करने मिलता है बाहर के लोगों से. जो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जो डाइटिशियंस आते हैं, जो टाइटल होल्डर्स होते हैं, तो उनके साथ उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनको उनकी नॉलेज बढ़ जाती है जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे एक इंसान के लिए. ओके, तो सर हम आपके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे. जैसे कि आपने अपना करियर कहाँ से शुरू किया बेसिकली, एज एन एक्टर, एज ए एथलीट, या फिर कहाँ से शुरू किया आपने? मैं बेसिकली एक सुपर मॉडल रह चुका हूँ पहले, उसके साथ साथ मैंने एक्टिंग की है. तो मैं इंटरनेशनल मॉडल भी हूँ, इंडियन मॉडल भी हूँ. मेरी लास्ट फिल्म थी टाइगर जिंदा है सलमान भाई के साथ, जो सबसे बड़े फिटनेस एंथुसियास्ट हैं इंडिया के, बॉलीवुड के. तो उनको देख के ऑलमोस्ट 70% लोगों ने बॉडी बनाना स्टार्ट किया है. तो मैं उनके साथ 1 साल गुजार चुका हूँ ऑलरेडी, उनके साथ वर्कआउट कर चुका हूँ. तो मैं और इंस्पायर हो गया, आप समझ रहे हो मेरी बात. तो मैं ये चीज़ें हैं कि मैं ये मेरा लाइफ का एक डिसिप्लिन क्या होता है ना, फिटनेस से आपकी लाइफ जो है वो एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है. आपका माइंड, आपकी बॉडी गेट्स कनेक्टेड विद दिस. सो उसकी वजह से क्या है ना, आप सोच पाते हैं, अच्छा अच्छा काम कर पाते हैं, आपका टाइम टेबल बनता है, आपकी डाइट, आपकी खाने की चीज़ें अच्छी हो जाती है रादर देन वेस्टिंग योर टाइम. तो दानिश भाई आप कुछ इस फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहेंगे. जैसे कि हमने देखा है कुछ ही कम सालों के अंदर में इंडिया में जो फिटनेस इंडस्ट्री का जो बूम है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट? तो इसके बारे में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, अगर किसी को पैशन है रिलेटेड टू फिटनेस इंडस्ट्री, राइट? सो उन्हें क्या करना चाहिए बिकॉज काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल. सो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको बता दूँ, देखो 4 चीज़ें होती है जो इंसान को एक मुकाम तक पहुँचा देती है, एक डेस्टिनी तक. पहले मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को, ये ड्रीम्स वगैरह देखना छोड़ दो. एक गोल को, लाइफ जो है ना उसको एक गोल के साथ टाई कर दो. बस वो गोल आपको रोज़ देखना चाहिए. एंड आफ्टर दैट कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन, ये 4 चीज़ें. डोंट फॉरगेट, आपके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए डाइट नहीं है, बट ये चीज़ें आपको वहाँ पहुँचा देती हैं जहाँ अपने आप को देखना चाहते हो. दैट्स इट. करेक्ट. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू नीड टू फॉलो रियल फिटनेस.